हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब माय चैनल। ये देखिए, ये हमने ये फेदर की ऊन ली है और एक ये कलर लिया है। जितने भी आपके पास कलर हैं वो आप इतना लगा सकती हो। और इसमें हम तीन कलर लगाए हैं, ये देखिए। और ये बहुत ही सुंदर है, ये पावदान बोलते हैं इसको। और सलाइयों से इसको बनाते हैं, सलाइयों से जितना बड़ा बना सकती हो आप। आपके पास बची कुची ऊन रखी हुई होती है, सब मिक्स करके आप ये सब बना सकती हो। और बहुत ही काम भी आती है, बहुत अच्छी है ये। और चलिए हम आपको बताते हैं कैसे बनती है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम 15 फंदे डाले हैं और 30 फंदों का ही काफ़ी बड़ा होता है। और ये हमने 9 नंबर सिलाई ली है, 9 नंबर सिलाई पे हमने इसको बनाया है। और इसको उनको फेदर की ऊन बोलते हैं, फेदर की ऊन से बनाया। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे बनता है। इसमें बहुत आसानी है, ये कुछ नहीं करना है। आप, मैं 9 नंबर पे बना रही हूँ, 6 नंबर पे भी बना सकती हो। 6 नंबर पे और मोटी होती है सिलाई, 6 नंबर। ये दोनों तरफ से हमें, ये पहला फंदा हम इसको ऐसे उतार के धागा आगे ऐसे करके सारा दोनों तरफ से उल्टा ही बनाएंगे इस तरीके से। सारी उल्टी ही बनानी है इस तरीके से। ये इस तरीके से सारी उल्टी सिलाई बनानी है हमें। इसी तरह सारी हम ऊपर तक बनाते चले जाएंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। आपकी ऊन भी वेस्ट नहीं होगी, आप पावदान इसमें बना सकती हो। इस तरीके से ये बनती चली आएगी। चलिए हम आपको इसमें दूसरा कलर लगा करके बताते हैं किस तरीके से ये बनेगा। इस तरीके से धागों के ऐसे पकड़ लेंगे और दूसरा कलर हम इसी तरह। इसी तरह हम जितने भी कलर हो सकते हैं हमारे पास, मेरे पास दो ही कलर हैं। आप जितने, आपके पास जितने कलर हैं वो आप सब यूज इसमें कर सकती हो। और इसी तरह सारी बुनाई, ये बहुत ही जल्दी है बन जाता है, एक ही दिन में आप इसको कर सकती हो। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ये इसी तरीके से बनता हुआ आएगा इस तरीके से। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।